रहो लक्कड़ बग्गे की औलाद, कभी सुना नहीं क्या, द बॉस इज ऑलवेज राइट। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बड़े ही विशेष व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड के खिलाड़ी, एक्शन स्टार और मानवीय कार्यों के प्रशंसक अक्षय कुमार की जीवनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्षय कुमार का असली नाम अक्षय हरिओम भाटिया, अब प्रोफेशनली उन्हें अक्षय कुमार के नाम पर जाने जाते हैं। अक्षय कुमार हिंदी सिनेमा में काम करने वाले एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उनका जन्म 9 सितंबर 1967 को हुआ था दिल्ली, भारत में। उनके पिता का नाम है हरिओम भाटिया, जो एक सैनिक थे, और माँ का नाम अरुणा भाटिया है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा से प्राप्त की और साथ ही कराटे भी सीखा। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक खालसा कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा रुचि ना होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। भारत में रहते हुए ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने बैंकॉक थाईलैंड में मार्शल आर्ट का अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने मुई थाई सीखी और सेफ और वेटर के रूप में काम किया। अक्षय का करियर काफी रोचक है। वो पहले मॉडल रहे और फिर बॉलीवुड में एक्टिंग करने लगे। उनका पहला फिल्म सोगन था, लेकिन वास्तविक पहचान खिलाड़ी से मिली, जो 1992 में रिलीज हुई थी। कुमार ने मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली उपस्थित सोगन 1991 में राखी और शांतिप्रिया के साथ की। कुमार ने 17 जनवरी 2001 को अभिनेता राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी है। जबकि उनके करियर में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव आया था, 2007 में लगातार 4 बॉक्स ऑफिस हिट के साथ उनकी मुख्यधारा की सफलता बढ़ गई। अभिनय के अलावा कुमार ने एक स्टंट अभिनेता के रूप में भी काम किया है। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की होस्टिंग शुरू की और 4 सीजन की होस्टिंग की। 2011 में कुमार ने स्टार प्लस पर भारत के पहले मास्टर शेफ टेलीविजन शो की होस्टिंग की। अक्षय कुमार को बॉलीवुड का एक्शन स्टार कहा जाता है। वे अपने एक्शन सीन्स के लिए प्रसिद्ध है और उन्होंने खिलाड़ी, श्रृंगार, मोहरा और हेराफेरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में ब्रिलियंट प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2009 में भारत सरकार से भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री प्राप्त हुआ। उन्होंने क्राइम थ्रिलर रुस्तम 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अक्षय कुमार को 13 नॉमिनेशन में से 2 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। फोर्ब्स ने कुमार को 2015 से 2020 तक दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मशहूर हस्तियों और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला अभिनेता दोनों की अपनी सूची में शामिल किया। कुमार को यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई थी। अक्षय ने देश में महिला सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्कूल भी स्थापित किए थे। कुमार भारत के सबसे परोपकारी अभिनेताओं में से एक है और विभिन्न दान का समर्थन करते हैं। अपनी परोपकारिता और सेवाओं के साथ ऑफ स्क्रीन भी अच्छा काम जारी रखते हैं। अक्षय कुमार ने अपने करियर के दौरान कई मानवीय कार्यों का समर्थन किया है। उन्होंने भारत के स्वच्छता अभियान के लिए कई अच्छे काम किए हैं और अक्षय कुमार फाउंडेशन के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अक्षय कुमार की जीवनी एक मोटिवेशनल कहानी है, जो हमें दिखाती है कि मेहनत, समर्पण और समाज में योगदान करने की भावना किसी को भी महान बना सकती है। ये थे हमारे अक्षय कुमार की जीवनी की कुछ किस्से। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स पर बताएं, और अगर आपके पास किसी और मशहूर व्यक्ति की जीवनी की वीडियो बनाने के लिए कोई सुझाव है तो कृपया हमसे साझा करें। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।